फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जानेंगे कि राजस्थान जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसमें जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती है उसके लिए क्या क्राइटेरिया, तो चलिए गए जानते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो आपका 16 फरवरी से स्टार्ट है और आपका 17 तारीख लास्ट डेट है, 17 मार्च तक ये एप्लीकेशन स्टार्ट जो है कि चलेगा। उसके बाद जहाँ तक फीस की बात है तो वहाँ पे आप जो फीस है वो जनरल के लिए 450 है, ओबीसी के लिए 350 है और एससी एसटी के लिए 250 है। फिर अगर एज की बात करें तो एज आप देख लीजिए कि आपका 18 से 40 साल जो है कि आपका एज का क्राइटेरिया है। वहीं अगर पोस्ट नेम की बात करें तो आप देख लीजिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नॉन टीएसपी और टीएसपी, तो नॉन टीएसपी में आपका 842 है और टीएसपी में आपका 40 है। और यहाँ पर देख लीजिए आपका जो एलिजिबिलिटी वो क्या होना चाहिए, 10+2 विथ एग्रीकल्चर स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। अगर आपने एग्रीकल्चर से 10+2 कंप्लीट किया है या फिर आपके पास बीएससी जो है कि आपके पास एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि जनरल और बाकी कैटेगरीज के लिए क्या क्या कितनी वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं इसमें ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो राजस्थान के एसएससी का वेबसाइट है, और उसके बाद आप 16 फरवरी से 17 मार्च के बीच तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप वहाँ से फिल कर सकते हैं। गाइज तो गाइज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।